कल 5 तारीख का ही पड़खुरी नंबर 2 ग्राम पंचायत पड़खुरी नंबर 2 जौन के जमोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आवत है। पड़खुरी नंबर 2 ग्राम पंचायत की जनता अचानक थाना में पहुंचा थी, जमोड़ी थाना में पहुंचा थी और अपन गुहार लगावा थी कि सरपंच जौन पड़खुरी ग्राम पंचायत के सरपंच है उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हमें पड़खुरी ग्राम पंचायत की जनता द्वारा कि जौन मंदिर है पड़खुरी ग्राम पंचायत में ही देवी मंदिर है, वो देवी मंदिर ट्रांसफार्मर है। तो ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा बतावा गया कि ट्रांसफार्मर का ही सरपंच द्वारा पिटवाए दीनगा, लाठी डंडा से क्षतिग्रस्त करवाए दीनगा और बिजली के तार रहा उखड़वाए दीनगा, जौने के कारण पूरे गाँव का गाँव जौन देवियन टोला है उनटे ही पूरा अंधेरा हो जाता है, जौने के कारण पूरे ग्राम गाँव उठ के ही जमोड़ी थाना में आए के शिकायत दर्ज करवावत है। आई सुनवाई थे कि गाँव वाले के का कुछ कहा शुभ नाम लिखी थी कौन गाँव है अपना के पड़खुरी। आज अपने बच्चे सबको गांव वाले आज यहाँ थाना आए रहन है भाई जमोड़ी थाना में ही का प्रकरण रहा कौन प्रकरण का लेके आए रहन बिजली तार के तोड़े के संबंध में आए रहन बिजली तार को तोड़ी माने सब कौन संबंध में बिजली तार को तोड़ी ऐसा कौन एफ आई आर उपस्थित रहे नहीं गांव के लोगों द्वारा बतावा गया कि बिजली की सप्लाई बंद हो गई तो पता क्यों गया था कहीं बिजली की सप्लाई बंद है सरपंच द्वारा तार तोड़ देगा कहीं समझे सरपंच द्वारा तार तोड़ागा हमारे यहाँ लाइट नहीं जल रही गाँव वाले के यह कहा है सरपंच द्वारा तार तोड़ देगा क्या नाम है अपना कहा सही बात है सरपंच द्वारा तार तोड़ागा सरपंच सुरेश कॉल कहाँ प्रकरण रहा कहा है तोड़ागा हमारे घर में लाइट नहीं जला था हम के गांव में जला जाए सरपंच के घर में बिजली कनेक्शन नहीं आया कनेक्शन है वो है सरपंच सुरेश कॉल तब का है ये में के करीन के वह खुद है तोड़वा दिन ही अब अपन ना बनवा के सबके सब के टूट जाए तो बनवा ही सब मिलके कहा कहा है अपना के ही के सरपंच द्वारा यह कृत्य करवा देंगे बिजली तार तोड़वा देंगे हाँ बड़ा निंदनीय काम की इनका है पूरे मोहल्ला में उस ट्रांसफार्मर से जितने कनेक्शन धारी है सब प्रभावित हैं मवेशियों को पीने का पानी और आदमियों को पीने के पानी का बड़ा संकट है एक जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरह से निंदनीय कार्य किया गया जो बहुत ही दुखदायी है और ये राष्ट्रद्रोह का भी राष्ट्रीय संपत्ति को तोड़ फोड़ किया डंडे से पीट के नष्ट किया गया डंडे से पीट के कार नष्ट कर ट्रांसफार्मर बिजली के ट्रांसफार्मर देवी मराठ टोला का ट्रांसफार्मर पड़खुरी नंबर 2 के देवी मराठ टोला का ट्रांसफार्मर डंडे से पीट करके नष्ट किया ताकि कोई चालू न कर पाए और यह को पीटीसी सरपंच सुरेश कोल द्वारा पीटा गया अच्छा जी पड़खुरी नंबर 2 का सरपंच आज अपना बच्चे सबको आया है हाँ वही के संबंध में हम पंचायत थाना में आई अपन ये प्राथमिकी दर्ज करावे आन गुहार लगावे आन के अब चूंकि बिजली से प्रभाव से पानी और हवा आज गर्मी के सीजन में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है लड़का बच्चा बीमार हम मवेशी का पानी नहीं बंद है पूरे मोहल्ला में बंद है बिजली का कनेक्शन चलिए कौन गाँव है अपना के पड़खुरी नंबर 2 क्या नाम है पीयूष द्विवेदी तो ये बताइए कि जो आरोप है सरपंच के ऊपर के ट्रांसफार्मर पीट के उखड़ नष्ट कई दिन का सही बात है क्या जी बिल्कुल वो बतावा हम तो नहीं रहना लेकिन ये बात सही है कि द्वारा लाइट तोड़ी गई अब पीट दिन गए लाठी से लेके गए पीट दी सी अंडी भंडी गाड़ी दे रहा है ट्रांसफार्मर जी लगावे हैं ताकि माता जी संकट है बिटिया संकट है ये कब की बात है आज 5:30 बजे आज है ट्रांसफार्मर आज है से लाइट आज है से लाइट पूरे मोहल्ला के गांव है पूरे गांव की लाइट गोल ही आज है छोट छोट लड़का गोरू रकरा पानी सब मरता है माने की यह आज है से ये समस्या चालू हुई है ना कहा बाबा अपना के ही सरपंच द्वारा ये में कीनगा जी का कीनगा ट्रांसफार्मर पीटा का कहीं ट्रांसफार्मर पास भर तो दिखा ट्रांसफार्मर पीटा नहीं हाँ का दिखे तार टूट रहा था दिखे लाइट पूरे मोहल्ला की बंद है पूरे गांव के बंद है का नाम है कौन गांव है पड़खुरी नंबर 2